नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गेनर क्लासेस में। तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया था कि पेपर फोर जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा और मैं कल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा MSc जूलॉजी MJPIU और फर्स्ट सेमेस्टर है आपका 2024-25 का। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, पेपर फोर है आपका बायोडाइवर्सिटी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बायोडाइवर्सिटी तो एक स्टोरी के समान होती है, क्यों हमें वैरायटी ऑफ जीव देखने को मिलते हैं, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट होते हैं, ठीक है, और किस तरह से इसको हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हम बायोडाइवर्सिटी जब आपको ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने के बाद में, इसको आपको एक एक क्वेश्चन जब बताऊँगा तो बेसिक भी कवर होता जाएगा और आपके क्वेश्चन आंसर भी कवर होते जाएंगे। और यहाँ पर हम आपको टेक्निक्स भी बताएंगे कैसे आपको इसको तैयार करना है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए सीधे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है MSc जूलॉजी और ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर आपका फोर है बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर योर एग्जामिनेशन 2024 शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के MJPIU। चलिए, तो हर बार की तरह सेक्शन ए में हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अगर आप लोग नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा MSc जूलॉजी के रिकॉर्डिंग तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप लोग फटाक से उसको देख सकते हो। और प्लेलिस्ट को सेव कर लिया करो, प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करो, क्योंकि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो आसानी से आपको पेपर वाइज पढ़ी है, जिस पर आपको आसानी से ढूंढ सकते हो आप लोग। और वीडियो को पूरा देखा करो, ये नहीं कि केवल बस स्क्रीनशॉट ले लिए और वीडियो नहीं देखते हो, वीडियो पूरा देखो जिससे हमारा कुछ फ़ायदा होगा। चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम और जेनेटिक लेवल। तो जैव विविधता क्या है, इसके प्रकार, प्रजाति स्तर, पारिस्थितिकीय स्तर और आनुवंशिकी स्तर, ठीक है, को समझाइए। अगर मैं इसकी हिंदी नहीं देता हूँ ना, काफ़ी बच्चे यूपी बोर्ड वाले होते हैं बेचारे, जब MSc में आते हैं तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखा है लेकिन उसकी हिंदी भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। और जो आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर होगा, अगर आपने मीडियम हिंदी सेलेक्ट किया है जब आपने MSc जूलॉजी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, आप मिक्स लैंग्वेज में लिख सकते हो। अभी भी काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो इंग्लिश में है और मैं इंग्लिश में ही लिखूं क्या, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं, जैसे अगर मान लो आपने इंग्लिश भर दिया है, गलती से भर गया आपका इंग्लिश, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आप छोड़ भी दोगे तब भी तो दिक्कत है, इसलिए करके आना, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर देना, क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं है, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया वो लोग बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जिसको हमारे इंडिया में हिंग्लिश बोला जाता है, HINGLISH, हिंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए, व्हाट आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में तो ज़रूर आएगा, 100% आएगा। अल्फ़ा, बीटा और गामा जैव विविधता स्तर क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की जैव विविधता का वितरण और इसका महत्व समझाइए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं चाहता तो आपको थोड़े से क्वेश्चन बता देता, 8 ही 10 बता देता, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बाउंस हो जाता है, फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर तो आपको कुछ नहीं आता है। इसलिए मैंने थोड़ा स्पेक्ट्रम को ब्रॉड रखा है और क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं इस बार, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा तैयार कर लोगे तो कम आएगा, तो आसानी से लिख सकते हो। अगर कम ही तैयार किया, ज़्यादा आ गया तो फिर क्या करोगे, फिर तो दिक्कत है। आप टॉप भी कर सकते हो अगर इन क्वेश्चंस को सही से तैयार कर लो, जितना मैंने आपको बताया। नोट्स आप लोग सही से बनाओ, इसको कॉपी पे लिख लो जितने भी क्वेश्चंस हैं, और अच्छे से तैयार कर लो तो आप यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हो, ठीक है। लिखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन की स्टोन स्पीसीज एंड इंडिकेटर स्पीसीज, गिव एग्जाम्पल्स। की स्टोन स्पीसीज और इंडिकेटर स्पीसीज में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ऐसा नहीं है कि ये MJPIU के लिए, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का नाम बायोडाइवर्सिटी है तो
तो बायोडाइवर्सिटी अगर आपके पास सब्जेक्ट है और उसमें आपको ये क्वेश्चंस भी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ का बता रहा हूँ, सिलेबस तो सेम ही रहता है ना, बस सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, नेम सम इम्पोर्टेंट वंस इन इंडिया। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं, भारत के कुछ महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट का नाम बताइए। ये देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको हॉटस्पॉट का मतलब ही नहीं पता है, ठीक है, और ये हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं अगर ये भी नहीं जानते हो, तो क्या फ़ायदा बायोडाइवर्सिटी पढ़े। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लेपिडोप्टेरन्स विद कॉमन एग्जाम्पल्स। लेपिडोप्टेरन्स का वर्गीकरण और विविधता सामान्य उदाहरणों के साथ समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ एरेक्निड्स विद एग्जाम्पल्स। एरेक्निड्स का वर्गीकरण और विविधता उदाहरणों के साथ समझाइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द जनरल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट में बिल्कुल इसको छोड़ना मत, कि जो उभयचर होते हैं यानी जो एम्फीबिया होते हैं, इनका सामान्य वर्गीकरण और इसकी विविधता समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज GPS यूज्ड इन बायोडाइवर्सिटी सर्वेज। GPS का जैव विविधता सर्वेक्षणों में कैसे उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बाइनोकुलर्स एंड DSLR कैमराज इन वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशंस। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, आजकल तो DSLR को हर कोई जानता होगा, क्योंकि इतनी टेक्निकल दुनिया चल रही है, बहुत सारी रील्स बना रहे हो। तो वन्य जीव अवलोकन में बाइनोकुलर और DSLR कैमरा का क्या महत्व है, ठीक है, और इसको आप पढ़ लोगे तो आपकी जानकारी के लिए भी तो अच्छा है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिसेस इन मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को मापने में जैव विविधता सूचकांकों का महत्व समझाइए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू नेचुरल थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड डिजर्टिफिकेशन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। प्राकृतिक खतरों जैसे जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स लाइक पोल्यूशन एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आजकल ह्यूमन क्या बायोडाइवर्सिटी में खतरा प्रोड्यूस कर रहा है, तो मानव जनित खतरों जैसे प्रदूषण और आवास विखंडन का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ डज पोचिंग एंड हंटिंग अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। अवैध शिकार और शिकार से जैव विविधता पर क्या असर होता है, इम्पोर्टेंट अगेन। नेक्स्ट देखिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप देखे जा रहे हो, आप भूल चुके हो, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छी सी कमेंट करो कि आगे आपको क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, और इस पेपर को बताने के बाद में मैं इसका एक लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे पास रखा है, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें से आप लोग निष्कर्ष निकालना कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर लिखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस। प्रजातियों की समृद्धि और समानता में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड व्हाई इज इम्पॉर्टेंट इन बायोडाइवर्सिटी। आनुवंशिक विविधता क्या होती है और जैव विविधता में इसका क्या महत्व है, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी लॉज इन इंडिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता कानूनों का महत्व तो क्या है, ये आपको समझाना है। और अगर आप लोग मुझसे कहोगे कि सर एक एक करके इसका आंसर भी बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे आप लोग क्या करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगर आप सक्षम हैं, ठीक है, अगर आप कैपेबल हैं, तो आप ज़्यादा नहीं, एक रुपया आप डाल सकते हो आपकी श्रद्धा के अनुसार, जितना आपको उचित लगे आप उतना कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे तो मैं लेक्चर फ्री दे रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सक्षम होते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए, मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ, ठीक है, अंदर से अच्छा फील होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, तो आप लोग भी जानते हो, ठीक है। चलिए, अब ये है मेरी असली खुशी। अब आप लोग पूछते हो कि सर आप इतना सब कैसे कर लेते हो, तो देखिए आप ही के जैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कमेंट भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। यहाँ पर ये हैं
गौरी शर्मा, इन्होंने कहा कि सर इन क्वेश्चंस के आंसर भी बता दीजिए, ठीक है, और बोला थैंक यू सो मच। तो थैंक यू बेटा, बता देंगे, टेंशन मत लो। और एक हैं अनामिका चौधरी, इन्होंने पूछा कि सर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए। तो अनामिका चौधरी, मैं आपसे कहना चाहूँगा सॉरी, मेरे पास लास्ट ईयर 2023 का ही है, इससे पीछे का मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं गूगल पे सर्च कर करके इधर उधर जा करके मैं आपके लिए क्वेश्चन को तैयार करता हूँ, ठीक है, तो सॉरी फॉर देट। एक और है नाहिद, सॉरी मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, मैनी मैनी थैंक यू, 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट, ठीक है। तो बेटा मैनी मैनी थैंक यू आपको, और आपने मुझे सपोर्ट किया है। नेक्स्ट देखिए तजीन सैफी, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू थैंक यू। और अंशिका मिश्रा, नाइस सर थैंक यू। अगर आप लोग देख रहे हो तो अंशिका शर्मा, आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और आप वीडियो को पूरा देखो, देखा करो। तो यहाँ पर तजीन मीना, ठीक है नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो इन सभी बच्चों को वेरी वेरी मुस्कान यदुवंशी, फर्स्ट पेपर के पूरे करा दो। ओके ओके करा दूंगा, थोड़ा टाइम मिलने दो, ये बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट करा दूं, फिर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। तो इतने बच्चे, ये सब मेरी असली खुशी है। अब अगर ये लोग कमेंट नहीं करते तो मेरे अंदर कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो इसी के चलते चाहे मेरे पास कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूं, चाहे अपलोड करने के लिए नेट हो मेरे पास, चाहे ना हो, कहीं भी जाना पड़े मैं जाता हूं, ठीक है। सेक्शन बी है लॉन्ग आंसर। अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 600 से 800 शब्दों के बीच में लिखना होता है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी की कॉपी, हाँ एक बात और, अगर आप लोगों को कॉपी देखनी है तो कमेंट करना कि यूनिवर्सिटी की कॉपी कैसी होती है सर, दिखा दो एक बार एमएससी की, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मेरे पास सैंपल रखा हुआ, वीडियो बना दूंगा उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज इकोसिस्टम जेनेटिक इन डिटेल, इंक्लूड द रोल्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा लेवल्स। अब आप देख सकते हो, अगर आपने ये वाला लॉन्ग तैयार कर लिया तो ये आपके यहाँ पर कम से कम 2 से 3 शॉर्ट आंसर आपके तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा लेवल भी आ गया और उधर बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स भी आ गए, स्पीसीज इकोसिस्टम और जेनेटिक। तो आप लोग ये समझो कि आप पहले लॉन्ग तैयार कर लो। बिल्कुल लिखा है कि जैव विविधता के विभिन्न प्रकार, प्रजाति, पारिस्थितिकी, अनुवंशिक को विस्तार से समझाइए, इसमें अल्फा बीटा और गामा स्तरों की भूमिका को भी शामिल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया एंड डिस्कस द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। भारत में जैव विविधता के वितरण का वर्णन कीजिए और इसके पारिस्थितिकीय महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ कीस्टोन स्पीसीज एंड इंडिकेटर स्पीसीज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन विद एग्जांपल्स। तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, जैव विविधता संरक्षण में कीस्टोन स्पीसीज और इंडिकेटर स्पीसीज की भूमिका पर चर्चा कीजिए उदाहरणों के साथ में, सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लेपिडोप्टेरन्स एंड एरेक्निड्स इन डिटेल इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लेपिडोप्टेरन्स भी आ गया और एरेक्निड्स भी आ गया, तो आप अगर ये तैयार कर लेते हो तो पीछे के वो दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। लेपिडोप्टेरन्स और एरेक्निड्स का वर्गीकरण और विविधता विस्तार से समझाइए उदाहरणों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल रोल ऑफ एम्फीबियंस इन द इकोसिस्टम। ये भी देखिए वही है, शॉर्ट वाला ही है, उभयचरों का वर्गीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी पारिस्थितिकीय भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन बायोडाइवर्सिटी सेंसर सच ए GPS कैमराज एंड अदर वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग मेथड्स। ये इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता गणना में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे GPS कैमरा और अन्य वन्यजीव निगरानी विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी इंडिसेस एंड सर्वे टेक्निक्स हाउ आर दे यूजफुल इन बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता सूचकांक और सर्वेक्षण तकनीकों का वर्णन कीजिए, जैव विविधता मापने में ये कैसे सहायक होते हैं। ओके सो तो नहीं गए हो, कापी उठा लो और इसको आराम से नोट कर लो। व्हाट आर द मेजर नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस देयर इम्पैक्ट्स इन डिटेल। जैव विविधता के प्रमुख प्राकृतिक और मानवजनित खतरों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, इनका जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे होंगे वो लेट कर वीडियो देख रहे होंगे, अरे भाई अच्छे से बैठ कर देख लो और कापी उठा लो और उसको नोट कर लो, ठीक है, आप ही से कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिस्कस प्रिवेंटिंग या प्रिवेंटिव मेजर्स।
अवैध शिकार और शिकार का जैव विविधता संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके रोकथाम के उपायों पर चर्चा कीजिए। तो इस तरह से गाइज आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस थे और शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगली बार हम मिलेंगे, इसका प्रीवियस ईयर लास्ट क्वेश्चन पेपर वो आपको मैं दिखा दूंगा, फिर उसके बाद में हम आएंगे नॉन कार डेटा के जितने भी क्वेश्चन थे फटाफट करा देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो वेरी वेरी थैंक यू, और सपोर्ट करिए, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करो, जितनी ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे और मुझे वीडियो को पूरा देखोगे और कमेंट करोगे तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को रैंक करेगा और वीडियो इधर उधर फेंकेगा, और फिर अच्छे खासे मेरा बस टाइम कंप्लीट हो जाए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।